गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। कहते हैं कि एक आईएएस अधिकारी की जिंदगी में वक्त की काफी कमी रहती है। जाहिर सी बात है कि जिसके कंधे पर एक जिले की जिम्मेदारी हो, उसे बाकी चीजों के लिए वक्त कैसे मिल पाता होगा। पर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में नोएडा के डीएम ने बैडमिंटन एकल मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया है। हालांकि इस फाइनल मुकाबले में सुहास को फ्रांस के लुकास माजुर से हार का सामना करना पड़ा और सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। पर एक आईएएस अधिकारी के तौर पर ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सुहास ने इतिहास के पन्नों में खुद को अमर कर दिया है। मैं पूरे भारत देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है, और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता। बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में, जब बचपन में, कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे। तो यही सफ़र में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है, टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी विशेष और आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंस अगेन, किसी भी खिलाड़ी के लिए देश को प्रतिनिधित्व करना और वो भी पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीतना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं और आप सबका बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। सुहास की इस कामयाबी के बाद देश भर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने सुहास को ट्वीट कर बधाई देते हुए लिखा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम। सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल प्रदर्शन की बदौलत हमारे पूरे देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई, उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुहास की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर क्या कहा, वो सुनिए। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा, जो इस पैरालंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरालंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं श्री सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी वो कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज ये भारतीय टीम के लिए एक नई उपलब्धि उन्होंने जोड़ी है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बता दें कि सुहास कर्नाटक के रहने वाले हैं, 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साल 2016 में सुहास ने इंटरनेशनल मैच खेलने शुरू किए और अब तक 6 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।